Hello students, and welcome back to the channel once again. In today's video we are going to continue the MCQ series of chapter Plant Kingdom. ये part second है, part one already upload हो चुका है. अगर आपने वो video नहीं देखी है तो description box के अंदर part one के link मैंने आपके लिए already provide कर दी है. आप जा करके उसे ज़रूर देखें. Almost 60 से 65 questions उसके अंदर हम discuss कर चुके हैं. तो चलिए guys, यहाँ पर हम video को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. जो बच्चे NEET, AIIMS, JIPMER 2020 and 2021 के लिए prepare कर रहे हैं उन सभी से मेरी request है कि प्लीज़ आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपके लिए इसी तरीके से एमसीक्यू की सीरीज लेकर के आती हूँ. उसके साथ साथ एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी इस चैनल पे अपलोड किया जाता है. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. हमारा थर्ड टॉपिक है टेरिडोफाइट्स. इससे पहले ऑलरेडी हम एल्गे और ब्रायोफाइट्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन लास्ट 31 ईयर्स नीट में और लास्ट 21 ईयर्स एम्स में आए थे उन सभी को डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक जो कि है टेरिडोफाइट्स के बारे में. सो पहला क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर. देखो, ब्रायोफाइट के अंदर और टेरिडोफाइट के अंदर अगर हमें मेल गैमेट को ट्रांसफर कराना है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कराना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी. 2016 का ये क्वेश्चन है. आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं. ओके, सो आई होप आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, वाटर. देखिए, जो ब्रायोफाइट्स हैं उसके पास ना तो पॉलन होते हैं ना ही फ्लावर्स होते हैं, ठीक है. इसीलिए वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है. जो स्पर्म है उसको फीमेल गैमेट एग तक पहुंचाने के लिए उसको पानी की हेल्प लेनी पड़ती है. क्लियर है बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट लेते हैं. द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन. जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होगी किसके अंदर. ए फ्यूनेरिया, बी स्पेग्नम, सी साल्विनिया या फिर डी मार्केंशिया. गाइज, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी यही बताया था कि सीधा आपसे कोई भी ग्रुप का नाम नहीं बोलेगा. डायरेक्टली वो क्या पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल से. और आप देख सकते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन बन के आया है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, विच सेज मार्केंशिया, ठीक है ना. जो प्लांट बॉडी होती है लिवर वॉर्ट की, वो होती है कैसी, हैप्लॉइड. हैप्लॉइड बॉडी होती है, ठीक है ना, एन बॉडी होती है. दूसरी चीज़, वो गैमेटोफिटिक होती है. कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है. देन इट इज़ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है. याद है मैंने आपको समझाया था दैट व्हाट इज़ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. क्लियर है. उसके बाद ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये किसके हैं, मार्केंशिया के हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट चलें. सिलाजिनेला एंड साल्विनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट. देखिए, सिलेजिनेला है और साल्विनिया है, उनको कंसिडर किया जाता है एक एवोल्यूशन की तरफ एक कदम बढ़ाया गया, ठीक है. वो एक इवॉल्व हैबिटेट है जो कि सीड हैबिट की तरफ हमें लेकर के जा रही है. अब ऐसा क्यों है, बिकॉज सही जो स्टेटमेंट है उसको आपको सिलेक्ट करना है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, विच सेज एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट. देखिए, सीड हैबिट की तरफ हमें इसलिए लेकर के जा रहे थे कि एम्ब्रियो जो है ना वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होना शुरू हुआ, क्लियर है. और उसके बाद डेवलप होने के बाद वो स्पोरोफाइट बॉडी पर ही रिटेन रहा, ठीक है. जब सीड डिस्पर्जल यहाँ पर नहीं होगा, सीड यहाँ पर नहीं बनेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि सीड के बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो यहाँ पर बननी शुरू हो गई थी. इसलिए ये एक स्टेप फॉरवर्ड था इन द एवोल्यूशन. नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इनमें से किसके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स जो हैं फ्री लिविंग नहीं होते हैं. एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी, विच सेज सिड्रस. जो मेल और फीमेल गेमिटोफाइट्स होते हैं सिड्रस के, उनके अंदर आपको कोई भी फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगी. क्लियर है बिल्कुल. और सिड्रस जो है वो किसको बिलोंग करता है, याद है आपको, मैंने आपको बताया था सिड्रस जो है इट बिलोंग्स टू कॉनिफर. क्लियर है. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस. इनमें से कौन है जो कि हेट्रोस्पोरस है. 2008 का ये क्वेश्चन है आपका. अब मुझे आप बताइए हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या होता है. बिल्कुल सही, हेट्रोस्पोरस का मतलब है दो अलग तरीके के स्पोर बनेंगे. और वो दो अलग तरीके के स्पोर कैसे होंगे, एक बनेगा माइक्रोस्पोर और एक बनेगा मेगास्पोर. क्लियर है. तो ऐसे दो स्पोर्स, अलग अलग तरीके के स्पोर किस में बनते हैं. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, साल्विनिया. साल्विनिया क्या है, एक एक्वेटिक फर्न है. इट इज एन
एक्वेटिक फर्न। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर आपको एनुअल और पेरिनियल दोनों स्पीशीज देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए यहां पर आपको हेट्रोस्पोर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? और वो हेट्रोस्पोर कौन से होते हैं? एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। नेक्स्ट चलते हैं। इन द प्रोथेलस ऑफ अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम द एंथीरोजॉइड एंड एग मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। देखो जो एंथीरोजॉइड है और एग है वो अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। क्लियर है? तो ये किसके रिजल्ट पे, ये अलग अलग क्यों मेच्योर हो रहे हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। देखो जो प्रोथेलस होता है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का, उसके अंदर एंथेरोजॉइड और एग जो है वो अलग अलग टाइम पे इसलिए मेच्योर हो रहे होते हैं बिकॉज वहां पर देर इज अ रिजल्ट इन फेलियर ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा होता है, इसीलिए इसी का रिजल्ट होता है कि ये अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। नेक्स्ट है, इन फर्न्स मियोसिस ऑक्यर्स व्हेन। जो फर्न्स हैं उनमें मियोसिस कब होती है? 2000 का ये आपका क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्स आर फॉर्म्ड। देखो फर्न्स, बिकॉज जो गैमेटिक मियोसिस है वो हमें सभी एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है, राइट? लेकिन जो स्पोरिक मियोसिस है, इन स्पोरिक मियोसिस द स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोरेंजिया, जिसमें आपकी मियोसिस होगी जिसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विच इज स्पोर्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है, डाइकोटमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन। 1999 का ये क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, मार्केशिया। ठीक है ना, डाइकोटमस जो ब्रांचिंग है वो आपको मार्केशिया के अंदर देखने को मिलती है बिकॉज मार्केशिया जो है इट इज, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट इज डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटमसली ब्रांच्ड। ठीक है ना, इट इज अ लिवर वोट। नेक्स्ट है, द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, वॉकिंग फर्न, देखो फर्न का नेम यहाँ पर वॉकिंग फर्न क्यों रखा गया है? 1998 का ये क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इट प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स। गाइज यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि कौन है जो कि अपनी लीफ टिप्स से वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है, तो आपको याद होना चाहिए नाम फर्न। क्लियर है? नेक्स्ट है, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड एंड लीफी गेमिटोफाइट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किसके अंदर हमें मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड देखने को मिलेंगे और लीफी गेमिटोफाइट देखने को मिलेगा? 1997 का ये क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इन सम ब्रायोफाइट्स। देखिए टेरिडोफाइट्स के अंदर जो गेमिटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट लिविंग होता है, लिख लेते हैं, टेरिडोफाइट के अंदर गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट लिविंग होता है। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। उसके बाद वो थैलॉइड स्ट्रक्चर है लेकिन छोटा होगा, जिसको हम कहते हैं प्रोथेलस, जिसकी बात हमने अभी की थी थोड़ी देर पहले। उसके बाद टेरिडोफाइटा के अंदर जो प्राइमरी रूट्स हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिटस रूट्स, लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर अगर हम देखें तो गेमिटोफाइट, क्योंकि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज और डिफरेंस हैं, तो इसलिए इन दोनों को हमेशा कंपेयर करके पढ़ते हैं हम, राइट? सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइट में तो आपको इंडिपेंडेंट लिविंग में देखने को मिलेगा, ठीक है, गेमिटोफाइट, उसके बाद उसके जो प्राइमरी रूट्स हैं वो आगे एडवेंटिटस रूट्स से रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा ब्रायोफाइट होता है उसके अंदर जो गेमिटोफाइट है क्लियरली वो जनरली लीफी स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लीफी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसकी रूट्स चेंज नहीं होती प्राइमरी रूट्स में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कौन है? 1996 का क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन, आपको मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट्स को मॉसिस के अलावा एक और नाम से जानते हैं जो कि है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ब्रायोफाइट्स विद सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखो ये पहले ऐसे प्लांट थे जो धरती पे आए थे, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वापस पानी में जाना पड़ता था, क्योंकि मेल गैमेट को तैर के जाना है फीमेल गैमेट तक, क्योंकि जब तक ना तो पॉलन थे ना तो पॉलिनेशन होता था तो कैसे पहुंचेगा? पानी की मदद से पहुंचेगा। इसलिए ब्रायोफाइट्स जो हैं उनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस। टेरिडोफाइट जो हैं वो मॉसेस से यानी कि ब्रायोफाइट से डिफरेंट हैं, क्यों? 1993 का क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम। क्लियर है? देखो हमने क्या पढ़ा था कि ब्रायोफाइट में वेल डेवलप्ड
क्या वेल डेवलप तो छोड़ो, ये उनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रॉपरली नहीं प्रेजेंट होता है, क्लियर है। इसलिए उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, बार बार पानी में जाना पड़ता है, जबकि जो टेरिडोफाइट है उनके पास हमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक्स वैस्कुलर टिश्यूज एंड सीड्स इज, वो कौन सा प्लांट ग्रुप है जो स्पोर्स भी बनाता है एम्ब्रियो भी बनाता है लेकिन उसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू और सीड नहीं होगा। 1992 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं, दे आर द प्लांट्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो। स्पोर भी बनाएंगे एम्ब्रियो भी बनाएंगे, कैसे बनाते हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर आपको वैस्कुलर टिश्यू नहीं देखने को मिलेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सिलेजिनेला। सिलेजिनेला और फ्यूनेरिया के बीच में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कॉमन नहीं है। 1992 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी रूट्स, क्लियर है। देखो फ्यूनेरिया जो है इट इज अ मॉस ब्रायोफाइट है जिसके पास दैट पोजेस आर्किगोनियम एम्ब्रियो फ्लेजिलेटेड स्पर्म, ठीक है ना। सो ये जो है ये तो सिलेजिनेला में भी प्रेजेंट है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो सिलेजिनेला में प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर एब्सेंट है एक तरीके से, ठीक है। सो जो सिलेजिनेला है टेरिडोफाइट है उसके अंदर रूट्स तो हैं लेकिन वो ब्रायोफाइट फ्यूनेरिया के अंदर एब्सेंट है। तो रूट्स जो है ना वो आपको किस में देखने को मिलती हैं, किस में देखने को मिलेंगी, सिलेजिनेला जो कि एक टेरिडोफाइट है, ठीक है, लेकिन वो एब्सेंट होंगी फ्यूनेरिया में जो कि एक ब्रायोफाइट है। तो यही एक मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेजिनेला इज, सिलेजिनेला का एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है। 1989 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए हेट्रोस्पोरस नेचर। देखिए जो आपका सिलेजिनेला है देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर, दो तरीके की स्पोर आपको देखने को मिलती हैं, एक है माइक्रो, ठीक है, एक है मेगास्पोर। एक माइक्रोस्पोर होता है और एक मेगास्पोर होता है, इसलिए यहाँ पर आपको कंडीशन देखने को मिलती है हेट्रोस्पोरी कंडीशन। जो भी वर्ड मैं बोल रही हूँ हेट्रोस्पोरी हेट्रोस्पोरस माइक्रोस्पोर मेगास्पोर ये सब मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त समझा चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी डाउट है नहीं समझ में आ रही ये चीज़ें तो प्लीज़ आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दी है इस पर्टिकुलर चैप्टर की प्लेलिस्ट की, आप जाकर के उसे पहले पढ़ें उसके बाद आकर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आई अश्योर यू कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, क्लियर है। सो आपको यहां पर हेट्रोस्पोरस नेचर देखने को मिलता है किसमें, सिलेजिनेला में, ठीक है। उसके बाद प्रोथेलस जो कि एक गैमेटोफाइट है, इट गिव्स राइज टू फर्न प्लांट, वो एक फर्न प्लांट को बनाता है जो कि एक स्पोरोफाइट है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। तो ये कैसी कंडीशन होगी, 1988 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी एपोगेमी, ठीक है। जब प्रोथेलस जो है फर्न का वो स्पोरोफाइट को डायरेक्टली सोमैटिक सेल से बनाता है बिना किसी गैमीट को बनाए हुए तो उसे कहते हैं एपोगेमी, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। अगर सीड हैबिट जो है वो उसकी शुरुआत करनी है, क्लियर है, अगर सीड हैबिट यानी कि सीड के बनने की शुरुआत करनी है, सीड के बनने के लिए जो जो इन्वायरमेंट चाहिए उसकी शुरुआत करनी है तो कोई एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आपको बताना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 2009 का ये आपका क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए हेट्रोस्पोरी, ठीक है। मेन जो रीज़न है मेन जो क्राइटेरिया है सीड हैबिट का वो क्या है, हेट्रोस्पोरी, यानी कि दो स्पोर बनने चाहिए, एक मेगा स्पोर, अगर ये नहीं बनेंगे तो सीड नहीं बनेगा, ठीक है, और एक माइक्रो स्पोर, क्लियर है। तो हेट्रोस्पोरी कंडीशन होनी ज़रूरी है। उसके बाद प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। वो प्लांट्स जो कि स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि मॉसेस हो गए ब्रायोफाइटा फर्न, ठीक है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टोगेम्स, ठीक है ना। वो प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से और वो किसी सीड्स को नहीं प्रोड्यूस करते हैं उन्हें दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगेम, ठीक है ना। जो क्रिप्टोगेम है वो दो वर्ड से मिलके बना है, आप सोचो कि क्रिप्टोगेम क्यों कहते हैं, क्रिप्टो गेम्स, क्लियर है। अब आप ये पूछो कि मैम ये क्रिप्टोगेम क्यों है, ठीक है ना। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैमोस का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। सो दीज इंक्लूड ब्रायोफाइटा मॉसेस एंड द टेरिडोफाइटा फर्न। फर्न क्या है, फर्न इज अ टेरिडोफाइटा, मॉस क्या है, मॉस इज अ ब्रायोफाइट, क्लियर है।
नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 4। हमने सारे टेरिडोफाइटा के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए थे सब डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म पे जितने भी क्वेश्चन क्रिएट हुए होंगे। सो 75th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मिसमैच। आपको यहाँ पर मिसमैच को सिलेक्ट करना है। आई होप आप सभी ने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया है अपना आंसर। अगर नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को बीच में पॉज करके अपना पूरा टाइम लेकर के दे सकते हैं अपना आंसर, बिकॉज ये कोई रियल आपका एग्जाम नहीं है नीट का, ये आपकी प्रैक्टिस है और यहाँ पर अगर आप गलतियाँ करेंगे तभी आप सीखेंगे, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, पाइनस विच इज डायोशियस। ये जो है ना ये गलत मैच किया हुआ है। पाइनस जो है वो मोनोशियस प्लांट होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल कोन्स जो है वो सेम प्लांट पे होती हैं। ओके, नाउ यहां पर आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सिकुआ। याद है आपको रेडवुड ट्री मैंने बताया था, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। सिकुआ जो है इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमिटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। इनमें से किस में गेमिटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होता है। मार्केंशिया, टेरिस, पाइनस, फ्यूनेरिया। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे कल पूछा था, काफ़ी बच्चों ने उसका आंसर दिया है। देखो आज उसका आंसर आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिंक दे दिए हैं, जाकर के आप मुझे फॉलो करें। वहाँ पर डेली मैं इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराती हूँ कुछ क्वेश्चन को अपलोड करके। ओके, सो अभी जाकर के आप फॉलो करें। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज पाइनस। ठीक है, पाइनस जो है वो सही ऑप्शन है यहाँ पर, बिकॉज पाइनस बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म को जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेटोफाइट्स जो हैं दे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो स्पोरेंजिया के साथ ही रहते हैं, जो कि दो तरह की होती है स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स। आपको ए से लेकर के ई सारी की सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट का है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, पहले आपको सारी स्टेटमेंट पढ़नी है और सिलेक्ट करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। चलो हम भी पढ़ लेते हैं एक बार स्टेटमेंट्स को। ए स्टेटमेंट है, मॉसेस एंड लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। बी, सेलेजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। सी, कोरेलॉइड रूट्स इन साइकस हैव VAM। एंड डी, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफिटिक, वेयर एज इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफिटिक। एंड द ई ऑप्शन इज, इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, बिल्कुल सही, आप मुझे बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों बी सही क्यों है? बिकॉज बी कहता है कि ए स्टेटमेंट सही है, डी स्टेटमेंट सही है और ई स्टेटमेंट सही है। क्योंकि देखो जो सिलेजिनेला, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है बिकॉज सिलेजिनेला जो है वो एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। ठीक है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं और मेगास्पोर बनते हैं। उसके बाद ये आपकी सी स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है, ये क्यों गलत है? बिकॉज साइकस के अंदर जो कोलॉइड रूट है इट हैज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना, कोलॉइड रूट्स के पास क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया, ना कि वैम। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया कौन सा वाला होगा यहाँ पर? एनाबेना। नेक्स्ट है, बिसाइड्स पैडी फील्ड, पैडी फील्ड्स होने के बावजूद साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में भी आपको देखने को मिलते हैं, किसके? साइकस के, इक्विसेटम के, साइलोटम के या फिर पाइनस के? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, साइकस। अभी हमने पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया कहाँ मिलता है हमें? साइकस के कोलोइडल रूट्स के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए से लेकर के ई आपको सारी स्टेटमेंट पढ़नी है। ए से लेकर के ई का मतलब है 1 से लेकर के 5। ठीक है, फिर आपको सेलेक्ट करना है उस आंसर को कि मतलब कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, विच सेज 3 स्टेटमेंट्स आर राइट। ठीक है, जो 3 स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है। अब वो 3 स्टेटमेंट कौन सी है? देखो, लिवरवोर्ट्स के अंदर और फर्न्स के अंदर जो गैमेटोफाइट्स हैं दे आर फ्री लिविंग। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं लिवरवोर्ट्स के अंदर और मॉसिस के अंदर। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। वाइल आप अगर देखें फर्न के अंदर स्पोरोफाइट जो है वो कैसा होगा? स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग होगा। सो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिवरवोर्ट्स और मॉसिस तो सही लिखा हुआ है लेकिन फर्न गलत लिखा हुआ है।
ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटरोस्पोरस। जो जिम्नोस्पर्म और जेनरा लाइक सेलेजिनेला और साल्विनिया, दे आर हेटरोस्पोरस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉलवॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज ओगेमस। लास्ट में है द स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट्स, यानी कि मॉसिस के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है इट इज़ मोर इलेबरेट देन दैट इन मॉसिस। क्लियर है। तो स्पोरोफाइट जो है ना मॉसिस के अंदर वो ज़्यादा इलेबरेट होता है देन दैट ऑफ लिवरवॉर्ट्स। तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही नहीं होगी। क्लियर है। उसके बाद पाइनस और मार्केशिया दोनों ही डायोशियस होते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। जो पाइनस है वो मोनोशियस होता है और मार्केशिया जो है वो डायोशियस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री। इन तीनों में से कौन सी चीज़ कॉमन है, फ्यूनेरिया में, ड्रायोप्टेरिस में और गिनको में, इन तीनों में क्या चीज़ है जो कि कॉमन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। ठीक है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम होता है वो इट इज़ फॉर्म्ड इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में किस में, फिनेरिया में। ठीक है। उसके बाद ड्रायोप्टेरिस, ये ड्रायोप्टेरिस किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा का। और गिनको, गिनको किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है, साइकस एंड एडियंटियम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। साइकस और एडियंटियम एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, उनके पास ऐसा क्या होता है कि वो एक दूसरे को रिजेंबल करें, एक दूसरे के समान दिखें। एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इनके अंदर मोटाइल स्पर्म्स देखने को मिलते हैं। साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है और एडियंटम जो कि एक टेरिडोफाइटा है। मैंने आपको हर बार कहा है कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा आपस में काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम, एक तरीके से कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आपस में एक तरीके से कंपेयर करके पढ़ने चाहिए। जब तक आप कंपेरिजन नहीं करोगे आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी। राइट है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही है। 2012 का ये क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। ठीक है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट। आपको पांचों स्टेटमेंट पढ़नी है और आंसर करना है क्वेश्चन का। ठीक है। इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है। एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज, चलिए आप एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को स्टॉप करिए अभी के अभी और जल्दी से पढ़िए सभी स्टेटमेंट्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच सेज टू। ठीक है ना। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, सिर्फ ये दोनों ही सही हैं, बाकी जो तीनों हैं वो गलत हैं। अब तीनों क्यों गलत हैं, द स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज मोर डेवलप्ड देन दैट इन पॉलीट्राइकम। जबकि रिक्शिया जो है वो एक लिवरवॉर्ट है जिसके अंदर आपको सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा विच इज़ कंसिस्ट ऑफ कैप्स्यूल, जबकि जो आपका पॉलीट्राइकम है वो एक मॉस है। क्या है, इट इज़ अ मॉस जिसके अंदर स्पोरोफाइट आपको आप काफ़ी अच्छे से डेवलप मिलेगा, उसमें आपको फुट मिलेगा, सीटा मिलेगा, कैप्स्यूल मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वॉलवॉक्स में है वो आइसोगैमस देखने को मिलती है, जबकि ये गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। वॉलवॉक्स जो है वो एक फ्रेश वाटर ग्रीन कॉलोनियल एल्गे है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है असेक्सुअल भी होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो ओगैमस तरीके से होगा, ना कि आइसोगैमस तरीके से। उसके बाद द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स लैक सेल वॉल। जो स्पोर्स होते हैं स्लाइम मोल्ड्स के, उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज स्लाइम मोल्ड्स आर कंज्यूमर डीकम्पोजर्स प्रोटिस्टा। ठीक है ना। उनके पास आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे प्लांट के, यानी कि सेलुलोसिक सेल वॉल होती है। एनिमल के भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, फेगोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, और फंजाई के भी कुछ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जैसे कि स्पोर बनते हैं। क्लियर है। सो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो कि गलत मैच किया गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए, गिनको विच इज़ मैच विद आर्किगोनिया। आर्किगोनिया जो है वो गिनको में नहीं बनता है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। आपको सिलेक्ट करना है इन चारों स्टेटमेंट में से क्या ये सही है या फिर ये गलत है। ठीक है। आपको वो कैसे सिलेक्ट करना है, इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। ये जो आपके नीचे ऑप्शन है ना, अगर स्टेटमेंट ए और सी है तो आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट जो ए और सी है दोनों ही सही है या फिर स्टेटमेंट ए और सी दोनों ही गलत हैं। ठीक है ना। इसमें आपको ये नहीं देखना कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी विच सेज स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी। देखो ए और जो डी है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जनरली द स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट्स इज मोर इलेबरेट देन दैट इन मॉसिस।
क्लियर है? तो जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है मॉसेज में देन दैट इन लिवर वोट्स. तो ये वाली तो स्टेटमेंट गलत हो गई. उसके बाद पाइनस, जो पाइनस के बारे में लिखा हुआ है, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज. जबकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पाइनस के अंदर जो पाइनस है वो एक मोनोशियस प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल कोन जो हैं वो सेम प्लांट पे बनती हैं लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस पे. क्लियर है? सो ए और डी स्टेटमेंट गलत दी हुई है. राइट, नेक्स्ट है, द गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इज. देखो इनमें से किसके अंदर आपको गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग देखने को नहीं मिलेगा. द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी, मार्केंशिया. बिकॉज जो मेल गैमिट होता है ब्रायोफाइट का वो बाइफ्लेजिलेट होता है, ठीक है ना, एंड दोज ऑफ टेरिडोफाइट आर मल्टीफ्लेजिलेट. ठीक है, तो अब इसमें एक एक्सेप्शन है सिलेजिनेला, वो आप याद रखेंगे. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस. इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि मोनोशियस है, अभी हमने पढ़ा. द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए, पाइनस. पाइनस जो है वो मोनोशियस प्लांट है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम. इनमें से कौन है जो कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम है, एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी, इक्विसेटम. क्या है, एक सेकेंड, 2009 का इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इक्विसेटम. क्योंकि इक्विसेटम जो है ना, इट इज द ओनली लिविंग जीनस इन द इक्विसिटेसी फैमिली. ठीक है ना, जो किसकी फैमिली कहलाई जाती है, वैस्कुलर प्लांट्स की फैमिली कहलाई जाती है, जो कि रिप्रोड्यूस करती है बाय स्पोर्स रेदर देन द सीड्स. नेक्स्ट है, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन जिनेटम फॉर्म साइकल्स एंड पाइनस एंड शोइंग एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के साथ क्या एफिनिटीज शो कर रही हैं, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमें जिनेटम फॉर्म साइकल्स, ठीक है, और पाइनस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करें, उनको हमें सिलेक्ट करना है. एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी, द प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड एबसेंस ऑफ आर्किगोनिया. जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि जिनेटम को साइकस और पाइनस से डिफरेंट करता है, ये जो है ना, ये फ्रॉम आएगा. ठीक है, जिनेटम को साइकस और पाइनस से अलग करने वाला, डिफरेंट बनाने वाला कोई एक कैरेक्टर आपको बताना था. ठीक है, तो जेनेटम को साइकस और पाइनस से अलग करने वाला एक मेन जो फीचर है वो ये है दैट दे शो एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म एंड देर आर प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड एब्सेंस इन आर्किगोनिया. आर्किगोनिया नहीं होता है. नेक्स्ट है, फ्लैजिलेटेड मेल गैमिट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ विच ऑफ द सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट. ठीक है, इनमें से फ्लैजिलेटेड मेल गैमिट्स किस तीन के सेट में मिलता है. ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि अगर जिग्नेमा में मिल रहा है तो बाकी के दो में भी मिलना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेट यहाँ पर ढूंढना है जिसके अंदर आपको फ्लैजिलेटेड मेल गैमिट्स देखने को मिलेंगे. एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी, एंथोसेरस, फिनेरिया एंड स्पायरोगैरा. इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, गैमिटोफाइट जो कि इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन का नहीं होता है. और अगर मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल दूँ तो वो है पाइनस. क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट. जिम्नोस्पर्म के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था पोलन चैम्बर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है. एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन डेवलप. जो पोलन चैम्बर है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो डेवलप होंगे. ठीक है, नेक्स्ट है, कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन. कॉनिफर्स ग्रासेस से क्यों डिफरेंट हैं, 2006 का इक्वेशन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी, द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन. ठीक है ना, जो कॉनिफर्स हैं वो जिम्नोस्पर्म है, वो ग्रासेस जो कि एंजियोस्पर्म है उनसे डिफरेंट इसलिए होते हैं बिकॉज जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है इट इज एक्चुअली एंडोस्पर्म. फीमेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पर्म कहा जाता है. ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, जबकि ग्रास जो है, ग्रासेस के अंदर एंडोस्पर्म एक ऐसा टिश्यू है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा. ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, इसीलिए मेन डिफरेंस है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन. कॉनिफर्स जो है वो ग्रासेस से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उसके अंदर एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है. ओके, क्योंकि कॉनिफर्स एक जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म का यही कैरेक्टरिस्टिक होता है. नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर मैच करना है सभी कॉलम नंबर ए को कॉलम नंबर सेकेंड के साथ एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपना सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है. सो द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच सेज दैट ए इज मैच्ड विद एल. ठीक है,
peritrichous flagellation is Escherichia coli and E. coli. Then living fossil. Living fossil is matched with Ginkgo. Ginkgo is a living fossil. Then rhizophore. Rhizophore is matched with Selaginella. Selaginella ke andar aapko rhizophore dekhne ko milengi. Theek hai na? Jo rhizophores hain, they are present in Selaginella. Jo ki colorless hote hain, leafless hote hain. Theek hai? Uske baad smallest flowering plant. Smallest flowering plant kaun sa hai? Wolfia. Bataya tha maine aapko. Aur largest perennial algae. Theek hai? Jo bahuvarshi ek tarike कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं वो क्या है, दे आर मैक्रोसिस्टिस. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, इनमें से कौन है जो कि एक लिविंग फॉसिल है? एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज साइकस. साइकस जो है इट इज अ नेटिव ऑफ चाइना एंड जापान, जिसको हम कॉमनली कहते हैं टेसो. ठीक है ना? टेसो या फिर सैगो पाल्म भी कहते हैं. सैगो पाल्म इसका मेन इंपॉर्टेंट नेम है. सागो पाल्म, इसके नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है. क्लियर है? तो इट इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल क्योंकि इसके काफी सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देखे गए हैं. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर. ठीक है, जो कौन से पेयर्स होते हैं प्लांट्स के जो कि सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनमें से कौन सा पेयर है? एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी, फर्न और फ्यूनेरिया वाला जो पेयर है, यानी कि ये दोनों जो हैं सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ऐसा क्यों है? बिकॉज फर्न जो है वो एक टेरिडोफाइटा है और फ्यूनेरिया एक क्या है, ब्रायोफाइटा है, जो कि सीडलेस प्लांट होते हैं. क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सिर्फ इन्हीं में आपको सीड देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, इनमें से कौन है जो कि एक लिविंग फॉसिल है? अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी गिनको, अभी हमने मैच किया था ना. चलिए नेक्स्ट है, साइकस हैज टू कॉटिलेडन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म. साइकस के पास दो कॉटिलेडन्स हैं लेकिन उसको एंजियोस्पर्म में क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता? द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ नेक्ड ओव्यूल. देखो नेक्ड ओव्यूल का मतलब ही होता है कि जिम्नोस्पर्म में जाएगा वो. ओके, अगर ओव्यूल अगर कवर है तो उसका ओव्यूल जो ओवरी से कवर है तो ओवरी बन जाएगी फ्रूट में, ओव्यूल बन जाएगा सीड में, और ये कैरेक्टरिस्टिक फिर हो जाएगा एंजियोस्पर्म का. ठीक है ना? तो यही चीज मेन देखी गई है कि अगर नेक्ड ओव्यूल होगा तो वो जाएगा जिम्नोस्पर्म में. क्लियर है? यही मेन डिफरेंस होता है. नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड. इनमें से किसके अंदर आप रखोगे उन प्लांट्स को जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू तो है लेकिन सीड्स नहीं है? एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट जो होते हैं दे आर प्रिमिटिव सीडलेस वैस्कुलर प्लांट. वहां पर वैस्कुलर बंडल्स तो आपको देखने को मिलेंगे लेकिन उसमें आपको सीड नहीं देखने को मिलेगा. ब्रायोफाइट क्या होते हैं? ब्रायोफाइट नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट होते हैं. ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम्स नहीं होते हैं. जिम्नोस्पर्म जो है वो सीड प्लांट होते हैं जिसके अंदर आपको दे विल कंडक्ट अ पार्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. क्लियर है? जाइलम के पास ट्रैकेट्स होंगे. एल्गे जो है वो नॉन वैस्कुलर फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक फॉर्म का प्लांट होता है. ठीक है, जो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन करता है. क्लियर है? नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस इज इनकरेक्ट. साइकस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखी हुई है? देखो हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं. ठीक है, कंग्रेचुलेशन, 100 क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे से झेल लिए और आपने अटेम्प्ट भी कर लिए. ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ. चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना बात किए ज्यादा. 1998 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी विच सेज कि देखो साइकस के बारे में गलत स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल, जबकि जो साइकस के अंदर जाइलम होता है उसके पास होते हैं ट्रैकेट्स. क्या होते हैं? ट्रैकेट्स. क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अ वेल डेवलप्ड आर्किगोनियम विद नेक, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 6 रोज ऑफ नेक केनाल सेल. नेक केनाल सेल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये किसके कैरेक्टर्स हैं? आर्किगोनियम के पास नेक केनाल सेल प्रेजेंट हैं, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के पास. ठीक है, आर्किगोनिया जो है इट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट. तो इनके नेक रीजन में आपको जो नेक का रीजन होता है वो बना हुआ होता है 4 से 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक केनाल सेल. नेक्स्ट चलते हैं, द विंग ऑफ पाइनस सीड इज डिराइव फ्रॉम. जो विंग है पाइनस सीड का जिसकी वजह से वो एक तरीके से विंड के थ्रू पॉलिनेट कर पाते हैं, तो वो किसके थ्रू आया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ द सर्फेस ऑफ ओविलीफेरस स्केल.
ठीक है ना, जो ओव्यूल है इट मेच्योर इन टू अ सीड एंड इट इज प्रोवाइडेड विद द विंग्स. जो अपर सर्फेस होता है वो ओवलीफेरस स्केल का होता है, जो किससे बनता है, फ्रॉम द मेम्ब्रेनस विंग ऑफ द सीड, जो सीड डिस्पर्जल में हेल्प करता है, सीड को अलग अलग जगह पे फैलाने में हेल्प करता है. देन है विच वन इज द मोस्ट एडवांस्ड फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इनमें से सबसे एडवांस कौन है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन है. 1993 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज स्पाइनस. क्लियर है. नेक्स्ट है अ प्लांट इन विच स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट. वो कौन सा प्लांट है जिसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन जाइगोट के रूप में, सिर्फ और सिर्फ जाइगोट के रूप में ही हमें देखने को मिलती है, अदरवाइज पूरी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, गेमेटोफिटिक जनरेशन वाली. 1992 का ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी क्लेमाइडोमोनास. ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो है इट इज़ अ गेमिटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है. ठीक, ये रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, किसके थ्रू, जूस्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू. ओके, और सेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो गैमीट्स बनाएगा. क्या बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा. गैमीट्स जो बनेंगे वो आइसोगैमीट्स हो सकते हैं जो कि फ्यूज करेंगे ताकि वो डिप्लॉयड जाइगोट को बना सके, जो कि पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ सिंगल स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो करता है. बाकी सब में आपको हैप्लॉयड नेचर देखने को मिलेगा, सिर्फ जाइगोट में आपको डिप्लॉयड नेचर देखने को मिलेगा. और डिप्लॉयड नेचर को ही क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन. नेक्स्ट है अ प्लांट हैविंग सीड. एक प्लांट है जिसके पास सीड है लेकिन फ्लावर और फ्रूट नहीं है, तो वो किसको बिलोंग करेगा. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म. क्योंकि हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर और फ्रूट नहीं बनता है, सिर्फ सीड बनते हैं. ओके, नेक्स्ट है इन पाइनस द पोलन ग्रेन हैज, एक सेकेंड, हैज सिक्स क्रोमोजोम. पाइनस के अंदर पोलन ग्रेन के पास सिक्स क्रोमोजोम है, तो उसके एंडोस्पर्म के पास कितने क्रोमोजोम होंगे. 1992 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा लेकिन सिंपल वाला मैथ्स. ओके, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सिक्स ही होंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वो तो हैप्लॉयड होते हैं. अगर वो हैप्लॉयड है और उनके पास सिक्स क्रोमोजोम नंबर है तो जो एंडोस्पर्म होगा उसके पास भी सिक्स क्रोमोजोम नंबर होंगे, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से पहले बना है. अगर फर्टिलाइजेशन से पहले बना है तो वो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा. क्लियर है. नेक्स्ट चले, रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर फॉर्म्ड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. रेजिन और टर्पेंटाइन जो है वो किसके जरिए हमें मिलते हैं. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी पाइनस. पाइनस के थ्रू हमें वो मिलते हैं. क्लियर है. ओके, सो यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर आप लोग जान लीजिएगा कि पाइनस की स्पीशीज से हमें मिलता है रेजिन्स और टर्पेंटाइन. सेड्रस की स्पीशीज से, ये भी जरूरी है, सेड्रस की स्पीशीज से मिलता है टिम्बर. जो टिम्बर होता है ना रेलवे स्लीपर्स में लगता है उसके लिए. एंड देन हमारा जो साइकस है, साइकस से ऑर्नामेंटल प्लांट. ठीक है, ये बहुत सुंदर होता है देखने में, तो इसे घरों में लगाया जाता है. और उसके बाद जो एबीज है, ठीक है, एबीज जो है इससे हमें पेपर मिलता है, कैनेट बाल्सम मिलता है. क्लियर है. उसके बाद पाइनस है, आप उसको जिम्नोस्पर्म भी बोल सकते हैं. इट इज़ द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. जो इनका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है पाइनस का, पाइनस का जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो क्या होता है. बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, पाइनस के अंदर जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे वो है एंडोस्पर्म, पोलन ग्रेन और मेगास्पोर. ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ऐसा क्यों होता है, पाइनस जो है और बाकी के दूसरे जितने भी जिम्नोस्पर्म है सभी में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा, और जब फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा तो वो हैप्लॉइड होगा. मेगास्पोर और पोलन ग्रेन जो है वो इनिशियल स्ट्रक्चर होते हैं, किसके, फीमेल गैमेटोफाइट के. और मेल गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर आपको पोलन ग्रेन देखने को मिलता है, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है. ठीक है ना, तो इसीलिए वो क्या होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे. नेक्स्ट है, इन जिम्नोस्पर्म जैसे कि पाइनस हो गया, साइकस हो गया, एंडोस्पर्म जो है वो कैसा होगा. बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हैप्लॉइड, वो हैप्लॉइड होगा. क्लियर है. चलो जल्दी जल्दी करते हैं. अब टॉपिक नंबर 5 है एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड अब सारे क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए. एंजियोस्पर्म को बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा था हमने. ठीक है, सो डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय. डबल फर्टिलाइजेशन इनमें से हमें किसके अंदर देखने को मिलती है. बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म के अंदर. बिकॉज डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का. सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी और बाकी किसी में नहीं मिलेगी. ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर सिनगेमी होता है. सिनगेमी का मतलब फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होता है. उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन जिससे आपका एंडोस्पर्म बनता है. ठीक है, पोलन, एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, पेन, याद है ना. देन आता है मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस. जो मेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म में वो क्या बनाते हैं,
द करेक्ट ऑप्शन हियर इज टू स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल. दो तो मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है, और एक वेजिटेटिव सेल बनता है. नेक्स्ट चलते हैं. इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. एंजियोस्पर्म के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या बनाते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी. ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं मियोसिस में, ठीक है. नेक्स्ट है, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू. एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो किस में डेवलप होगा? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रियो सैक में. जब मेगा गैमेटोजेनेसिस हो रही होगी, ठीक है, मेगा गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो फंक्शनल मेगास्पोर है इट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो सैक, ठीक है. ये एम्ब्रियो सैक क्या है? एम्ब्रियो सैक और कुछ नहीं है बल्कि इट इज अ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट एंड गैमेटोफाइट ऑफ द वेस्कुलर प्लांट आर. अगर हम गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट के, ठीक है, और गैमेटोफाइट वेस्कुलर प्लांट के, जो यानी कि टेरिडोफाइट आप कह सकते हैं, जिम्नोस्पर्म कह सकते हैं, या फिर आप एंजियोस्पर्म कह सकते हैं, तो अगर इनके बीच में अगर हम करें कंपैरिजन तो क्या आएगा? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए. ये कंपैरिजन में दे आर स्मॉलर बट हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, ठीक है. जो गैमेटोफाइट होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो छोटे होते हैं लेकिन उनके सेक्स ऑर्गन्स बड़े होते हैं. नेक्स्ट है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट. मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और फ्री लिविंग हैं. इनमें से किसके अंदर? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज स्फेग्नम के अंदर. क्योंकि स्फेग्नम क्या है? स्फेग्नम इज अ ब्रायोफाइट जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स इंडिपेंडेंट हैं, फ्री लिविंग हैं, जबकि पाइनस जो है, पाइनस इज अ जिम्नोस्पर्म. मस्टर और जो कैस्टर है इट इज अ एंजियोस्पर्म जिनके अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है ना. सो गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड. क्योंकि स्पोरोफिटिक बॉडी है मेन प्लांट बॉडी, तो गैमेटोफाइट ऑब्वियसली बात थोड़ा रिड्यूस होगा, ठीक है ना. ठीक है, तो इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इनमें से किसके अंदर आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यूस्टिलेगो. यूस्टिलेगो के अंदर आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी जो है और मेन जो मेजर पोर्शन जो है लाइफ साइकिल का, वो हैप्लॉइड होगा. नेक्स्ट है, विच वन पेयर ऑफ एग्जाम्पल विल करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग ऑफ स्पर्माटोफाइटा अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्कीम्स ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट, ठीक है ना. इनमें से किस कौन सा पेयर ऐसा है जो कि यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल साबित हो सकता है जब हम ग्रुप कर रहे हों स्पर्माटोफाइटा को एक साथ ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन प्रोसेस. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, गिनको एंड पाइसम, ठीक है ना. जो स्पर्माटोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर द सीड प्लांट. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सेकेंड, जो स्पर्म होता है, स्पर्म का मतलब बॉटनी में होता है सीड, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका. और ये सही क्यों है? बिकॉज दे आर द प्लांट्स विच बियर सीड कंटेनिंग अ डोरमेंट एम्ब्रियो. और इसके अंदर कौन कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. तो किनको जो है वो तो बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म को, इट इज़ अ जिम्नोस्पर्म. और पाइसम जो है इट इज़ एन एंजियोस्पर्म, ठीक है ना. तो ये वही जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में तो सीड देखने को मिलता है और किसी में नहीं देखने को मिलता है. तो सही ऑप्शन हुआ ए ऑप्शन. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्लावर. इनमें से कौन से प्लांट हैं जो कि सीड तो बनाते हैं लेकिन फ्लावर नहीं बनाते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पाइनस, ठीक है. जो मेज, मिंट, पीपल, ये कौन से हैं? ये फ्लावरिंग प्लांट हैं, या फिर आप कह सकते हो ये एंजियोस्पर्म है, जबकि जो पाइनस है वो जिम्नोस्पर्म है जिसके अंदर सिर्फ सीड बनता है, फ्लावर नहीं बनता है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है ना. इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसका पूरे एंजियोस्पर्म ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है? 2002 का ये क्वेश्चन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, डबल फर्टिलाइजेशन. मैंने आपको पहले ही कहा था डबल फर्टिलाइजेशन हर एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा. ये यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है. नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड लार्जेस्ट प्लांट्स आर फाउंड अमंग. इनमें से किसके अंदर आपको लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल एंड फीमेल गैमेट और लार्जेस्ट प्लांट देखने को मिलता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जिम्नोस्पर्म. क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था जो साइकस का एग होता है, साइकस का एग जो होता है इट इज लार्जेस्ट एग, ठीक है ना. तो इसका जो न्यूक्लियस है इट इज लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम, ठीक है. मैंने आपको पहले कहा था जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में जो साइकस का एग है उसका न्यूक्लियस सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है पूरे प्लांट किंगडम के अंदर. जो स्पर्म होता है साइकस का इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम. तो इसी तरीके से मेल और फीमेल गैमेट सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट प्लांट सिकोआ, याद है ना आपको, देन लार्जेस्ट ओव्यूल, ओके. नेक्स्ट है,
लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन, पूरे प्लांट वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट स्पर्म आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, अभी मैंने आपके साथ बात की. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज साइकस. अभी पढ़ा था ना कि स्पर्म जो होता है साइकस का, इट इज द लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम, जो कि अराउंड 300 μm के अकॉर्डिंग होता है. क्लियर है? नेक्स्ट है जो एग होता है. देखो स्पर्म के साथ साथ एग और न्यूक्लियस, ये भी सबसे लार्जेस्ट होता है साइकस का. ओके नेक्स्ट है सीड हैबिट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, सबसे पहले सीड हैबिट किसके अंदर देखने को मिली थी. 1996 का क्वेश्चन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सर्टेन फर्न्स. जो सीड हैबिट है इट ओरिजिनेटेड इन साइकेडोफाइल्स या फिर आप कह सकते हो टेरिडोस्पर्म्स. ठीक है नेक्स्ट है संकन स्टोमेटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, संकन स्टोमेटा थोड़ा सिंक किया हुआ जो स्टोमेटा है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी ज़ीरोफाइट, क्योंकि ज़ीरोफाइटिक कंडीशन में जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो प्लांट अपने आप को अडेप्ट करता है और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को थोड़ा स्टॉप किया जाता है. ठीक है ताकि पानी कम लॉस हो, इसलिए थोड़ा श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सिकुड़ सा जाता है. नेक्स्ट है पाइनस डिफर्स फ्रॉम मैंगो इन हैविंग, पाइनस मैंगो से डिफरेंट इसलिए है उसके पास कोई एक ऐसी चीज होती है, और वो चीज क्या है वो आपको आंसर्स में देखनी है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी. पाइनस जो है वो मैंगो से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर कवर नहीं है, क्योंकि पाइनस जो है एक जिम्नोस्पर्म है जबकि जो मैंगो है वो एक एंजियोस्पर्म है. क्लियर. टर्पेंटाइन इज ऑप्टेन फ्रॉम, अभी हमने पढ़ा था टर्पेंटाइन किससे बनता है. बिल्कुल सही सी ऑप्शन जिम्नोस्पर्मस वुड. ठीक है जिम्नोस्पर्मस वुड से बनता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जाइलम. अगर आप पूरा नाम पूछो किससे तो पाइनस के जाइलम से बनता है. ठीक है विच वन हैज द लार्जेस्ट गैमेटोफाइट, इनमें से किसके पास लार्जेस्ट गैमेटोफाइट है बिना देखे, साइकस. ठीक है ओके सॉरी लार्जेस्ट गैमेटोफाइट पूछा गया है, बिना मेरे को लगा मेल और फीमेल पूछा गया है. ठीक है तो यहाँ पर साइकस नहीं होगा, द करेक्ट ऑप्शन इज मॉस. ठीक है ना अगर हम देखें, अगर हम थैलोफाइटा से शुरुआत करें, थैलोफाइटा यानी कि जो एल्गे है, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, तो इनमें से देर इज अ रिडक्शन इन द गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट है वो धीरे धीरे कम होता गया, क्या होता गया छोटा होता गया. हेंस आपका जो मॉस है उसके अंदर लार्जेस्ट गैमेटोफाइट मिलेगा विच मीन्स सिलेजिनेला, साइकस, देन लास्ट में एंजियोस्पर्म आएगा. ठीक है तो अगर हम यहाँ से बढ़ते हैं तो गैमेटोफाइट का साइज छोटा होता नजर आएगा, तो इसलिए ब्रायोफाइटा के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है लार्जेस्ट गैमेटोफाइट. क्लियर है नेक्स्ट. अब देखो खत्म हो गए, मेरे को लगा और भी आगे राइट. तो चलो यहाँ पर हमने अराउंड 126 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आप लोगों को न्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर प्रैक्टिस कराए हैं. अगर आप लोग चाहते हो मैं न्यू क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, बिकॉज सिर्फ MCQ सीरीज ही नहीं, मैं यहाँ पर आपको हर एक पर्टिकुलर चैप्टर भी समझाती हूँ NCERT की लाइन बाय लाइन. ओके सो आपको थ्रू आउट द ईयर मेरे साथ इसी तरह से बना रहना पड़ेगा, तभी कोई ना कोई आपको रिजल्ट मिलेगा. अदरवाइज अगर आप ऐसे आओगे कि हाँ एक बार पढ़ा देन एक महीने के लिए सो गए तो कुछ नहीं हो पाएगा राइट. सो गाइज विद दैट सेड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ.